नमस्कार, मैं ज्योति राघव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि हमारे समाज में सुरक्षा और डर के मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है, जो आपको गहराई में ले जाएगी जहाँ भय और रहस्य का एक जाल बिछा हुआ है। दिल्ली के एक छोटे से शहर में एक 10 साल का लड़का अभिनव अरोड़ा, जिसे बाल संत के नाम से और आध्यात्मिक वक्ता के रूप में जाना जाता है, अब एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। लॉरेंस विश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी ने उनके और उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इस फोन कॉल ने उनके जीवन में एक साया फैला दिया है, एक आवाज, एक संदेश और एक खौफनाक चेतावनी। क्या यह केवल एक धमकी है या कुछ और गहरा छुपा है? क्या एक मासूम बच्चा जो केवल भक्ति का संदेश फैलाना चाहता है इस हद तक जा सकता है? सवाल ये है कि एक युवा भक्ति और ज्ञान का प्रचारक इस खतरनाक खेल का निशाना क्यों बन रहा है? आध्यात्मिक वक्ता और बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा को जान से मारने की धमकी मिली है। 10 साल के अभिनव की माँ ज्योति अरोड़ा ने दावा किया है कि उन्हें और उनके बेटे अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। अभिनव ने भक्ति और आध्यात्मिक प्रवचन देने के अलावा कुछ नहीं किया है जो उन्हें इतना कष्ट हो रहा है। जान से मारने की धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति ने दावा किया कि हमें एक फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि अभिनव की हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद रात को एक फोन आया लेकिन फोन नहीं उठाया जा सका। जिस नंबर से कॉल आई थी उसी नंबर से मैसेज आया कि अभिनव को जान से मार देंगे, पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि यह केवल एक धमकी नहीं है, यह एक चेतावनी है। क्या यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या अभिनव की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई मदद करेगा इस बेबस परिवार की? हम आपको इस मामले के हर पहलू से अवगत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह केवल एक साधारण धमकी है या कुछ और। क्या लॉरेंस विश्नोई गैंग की ये गतिविधियां हमारे समाज में बढ़ते अपराध को दर्शाती है? सोशल मीडिया पर मशहूर बाल संत अभिनव अरोड़ा को हाल ही में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने स्टेज पर फटकार लगा दी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभिनव और उनके परिजन को खूब ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ रही है। इस बीच अभिनव अरोड़ा के घर वाले मथुरा कोर्ट पहुंचे और सात यूट्यूबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस मामले में अभिनव अरोड़ा ने कहा कि 19 अक्टूबर को पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, इसलिए कोर्ट की शरण पहुंचा हूं। मेरा एक वीडियो जिसमें रामभद्राचार्य महाराज जी भी हैं वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के जरिए कुछ यूट्यूबर मेरी भक्ति पर प्रश्न लगा रहे हैं। जब बात मेरी भक्ति की आ गई है तो मैं कोर्ट की शरण में पहुंचा हूं। देखिए, मैं चाहकर नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। देखिए, हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है जी। इसके इफेक्ट मेरे मैया भी दही पर भी पड़ रहे हैं। यूट्यूबर्स और अलग अलग तरह के मेरे घर वालों के पास फोन आ रहे हैं और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। मजाक मजाक में करते थे तो हमें लगता था वो भी कुछ व्यू ही कमा रहे हैं, कुछ कमा रही हैं, तो हमने बिल्कुल दायित्व दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। कहने अब फर्क पड़ गया? अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमने मेरी मैया ने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है और हमें पूरा विश्वास है पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। जय जय श्री राम। वहीं एसपी सिटी मथुरा अरविंद कुमार ने बताया कि अभिनव अरोड़ा के मामले में हमें बेहद गंभीरता से काम करना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न हो। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत इस धमकी की जांच करें। हमारी प्राथमिकता है कि हम धमकी देने वाले का जल्द से जल्द पता लगाएं और उसे कानून के दायरे में लाएं।
इस मामले में समाज के सभी लोगों से अपील है कि वे सहयोग करें और किसी भी प्रकार की सूचना हम तक पहुंचाए। हम पूरी तरह से इस मामले की जांच कर रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी सुरक्षा उपाय करेंगे। सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अभिनव और उनका परिवार सुरक्षित रहे। अरोड़ा के तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ था, उन वीडियो पर एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनके साथ में कुछ लोगों ने फोन पर व्हाट्सएप पर बात कही है। उनसे तहरीर ले करके जो उचित सेक्शन में FIR पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें विवेकात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो जिन्होंने कंटेंट लिखा है वो कंटेंट के आधार पर हमने FIR पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी सब विवेचना का बिंदु है, विवेचना में सब कुछ साथ से इकट्ठा करके कार्रवाई की। उन्होंने जो तहरीर दिया था वो तहरीर में सब कुछ जितना जो लिखा है उसके हिसाब से जो सेक्शन बनता है उसी सेक्शन में FIR पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जाँच की जा रही है, जांच में तथ्यों को इकट्ठा करके जो संबंधित विधि कार्रवाई बनती है विधि कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस गंभीर और सस्पेंस से भरी खबर ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। हम आशा करते हैं कि आप भी अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार के लिए चिंतित होंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। हम यहां आपके लिए ऐसी ही और जानदार खबरें लाते रहेंगे। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि अभिनव और उनका परिवार सुरक्षित रहेंगे? हम फिर मिलेंगे नई जानकारी और रोमांचक खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़। नमस्कार।